हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पेटीएम से थर्ड पार्टी एक्सेस रिमूव करोगे, कैसे आप पेटीएम से ऑटोमेटिक पेमेंट को बंद करोगे एंड आपके पेटीएम यूपीआई से दूसरे कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ सब्सक्रिप्शन होगा तो उसको भी कैसे हटाओगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप ओपन करना होगा। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद टॉप लेफ्ट साइड पर ये जो प्रोफाइल का आइकॉन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करना होगा। UPI एंड पेमेंट सेटिंग्स यहां पर क्लिक करना होगा। UPI ऑटोमेटिक पेमेंट्स यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपके UPI आईडी से कोई ऑटोमेटिक पेमेंट तो नहीं है। UPI से कोई ऑटोमेटिक पेमेंट एक्टिवेट होगा तो आप यहां से उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ऑटोमेटिक पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो आप कौन कौन OTT प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लिए हो, चाहो तो आप उस सब्सक्रिप्शन को यहां से बंद भी कर सकते हो। और लास्ट में पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपके पेटीएम वॉलेट से कौन सा ऐप लिंक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे पेटीएम वॉलेट से रिलायंस जियो का ऑटोमेटिक पेमेंट चालू है। रिमूव पर क्लिक करके मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हो आपके पेटीएम UPI, आपके पेटीएम अकाउंट एंड आपके पेटीएम वॉलेट से कौन कौन सा ऑटोमेटिक पेमेंट चालू है एंड उसको आप बंद भी कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।